आप देख रहे हैं आज तक, नया साल संभावनाओं से भरा है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन इन्हीं संभावनाओं के साथ है इस साल की अगली चुनौती, G20 का सफल आयोजन। क्या भारत एक ऐसा देश बन पाएगा जहां युद्ध से बटी दुनिया एक साथ एक मंच पर आ जाएगी? क्या पुतिन भारत आएंगे? क्या शी जिनपिंग समझौते और समझ की मेज से होते हुए G20 में भाग लेने के लिए भारत पहुंचेंगे? क्या यह आयोजन अविस्मरणीय होगा? दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के बीच भारत का वक्त आ गया जब युद्ध करने वाले, युद्ध का बाजार बनाने वाले, पैसे वाले, हथियार वाले, विकसित, विकासशील सबकी मेजबानी G20 देशों के अध्यक्ष के तौर पर इस पूरे साल भारत करेगा। ये G20 समिट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। इतना बड़ा देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी विविधताएं, पूरे विश्व को भारत को जानने का एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत को पूरे विश्व को अपना सामर्थ्य जताने का भी बहुत बड़ा अवसर है। अस्त व्यस्त अर्थव्यवस्था वाले माहौल में भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। युद्ध के बम मिसाइल को झेलते वैश्विक संकट के बीच भारत को मौका मिला है। जब दुनिया आर्थिक तौर पर उबरने की कोशिशें कर रही है, बढ़ते ऊर्जा संकट, आतंकवाद से परेशान है, तब एक साल तक दुनिया के बड़े मुल्कों के बीच मंथन का एजेंडा भारत तय करेगा। आज का भारत जो है वो पहले का भारत नहीं था। आप ही मुझे बताइए, आज तक अंतर्राष्ट्रीय कुछ भी कार्यक्रम हो, हम पहले पूरे देश में कहां पहले ले चुके कि हम ज्यादातर दिल्ली में ही करते थे। अगर भारत की प्रोफाइल बड़ी है, भारत की छवि जो है वो और पहले से ज्यादा सकारात्मक है, तो अब ये है, ये हकीकत है। तो आज की अगर आप दुनिया में, आप क्योंकि मैं विदेश मंत्री हूँ, मेरा समय काफ़ी बाहर जाता है, मैं दूसरों से मिलता हूँ, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जो पहले की जो हमारी जो जो छवि जो थी, हमारी पोजीशन जो थी, वो आज की नहीं। G20 की अध्यक्षता के जरिए भारत को दुनिया भर के देशों के सामने ब्रांड इंडिया की छवि मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। देश के 50 शहरों में G20 से जुड़े आयोजन होने, बाकी देशों की तरह भारत इसे एक शहर तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि छोटे छोटे शहरों तक कूटनीति को ले जाना चाहता है। पर ऐसा करने के लिए उन शहरों को इसके लिए तैयार करने की भी चुनौती होगी। हाँ, एक फायदा सीधे तौर पर होगा, वो ये कि उस शहर की ओर पूरी दुनिया की नजर जाएगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलने का मौका भी होगा। G20 का आयोजन हमारे लिए बहुत बहुत फायदे का सौदा है। G20 एक ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है। अब हमारे लिए गर्व की बात है कि यह समिट हिंदुस्तान में होने जा रहा है, इंडिया में होने जा रहा है। अब इसका फायदा हमें कैसे होगा? नंबर वन, ब्रांड इंडिया सारी दुनिया में एस्टेब्लिश हो जाएगा, सब दुनिया में फेमस हो जाएगा, दुनिया भर की इकोनॉमी के लीडर्स यहां पर होंगे। उससे क्या होगा, ब्रांड इंडिया जब एस्टेब्लिश होगा तो यहां पे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आएगी। अब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आएगी तो कारोबारियों को भी फायदा है, कारोबार को फायदा है, कारोबार बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। साथ ही साथ जब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आएगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेगी, और उससे क्या है, जब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आएगी तो टैक्स जनरेशन भी बहुत होगी। हिंदुस्तान में टैक्स जनरेशन होगी तो हम अपने जो BPL भाई बहन है, गरीब भाई बहन है, उनके लिए भी भले का काम कर पाएंगे। उस पैसे से उनके लिए वेलफेयर, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन वो प्रोवाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहला तो फायदा ये हुआ कि ब्रांड इंडिया एस्टेब्लिश होगा और इंडिया के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आएगी।
दूसरा मेक इन इंडिया को हम बहुत बड़ा बूस्ट दे पाएंगे G20 की वजह से। G20 दुनिया के ताकतवर देशों का समूह है जिसमें रूस, अमेरिका, चीन और यूरोपीय देश शामिल हैं। दुनिया की GDP में G20 देशों की 85% हिस्सेदारी है। इन देशों में दुनिया का 85% उत्पादन होता है और 75% हिस्सेदारी है इंटरनेशनल मार्केट में। G20 1999 में गठित हुआ था, तब संभवतः यशवंत सिन्हा विदेश मंत्री थे, तो ये खबर जब इसका गठन की हुई और तब शायद इतनी बड़ी खबर नहीं बनी थी, लेकिन तब क्योंकि तब तक जो वर्ल्ड बैंक था या IMF था उसमें लोग जाते थे और अपना भाषण भर के चले जाते थे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता था। लेकिन बाद में G20 बनने के बाद में उनके ग्रुप्स बने, कुछ और देशों के कुछ ग्रुप बने, कुछ और ग्रुप बने जिसमें भारत भी एक ग्रुप में था, G20 में ही ग्रुप बने, तो फिर उसका एक नियम होता है, वो ये नियम ये होता है कि एक हर ग्रुप के प्रमुख को अध्यक्षता दी जाती है, तो ये क्रम वाइज चलता है। तो भारत ने इसके पहले 2018 में लेने की कोशिश की थी अपने टर्म से पहले, तब अर्जेंटीना का मौका था, अर्जेंटीना ने नहीं ये किया, लेकिन अब इस बार हमारा टर्म 24 में होना था लेकिन वो हमको 23 में मिल रही है और इसकी घोषणा बड़े अच्छे तरीके से की। तो ये एक हमारी विश्व में अपनी स्थिति बताता है, अपनी औकात बताता है, औकात ज्यादा अच्छा शब्द होगा कि हमारी प्रेजेंस बताता है कि विश्व में हमारी ये प्रेजेंस बताता है कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बात कितनी ताकत से सुनी जाएगी। तो इसलिए ये हमें उसकी अध्यक्षता मिली है और इसके कई ग्रुप्स हैं, कई मीटिंग्स होती हैं, कई तरह के प्रभाव होते हैं, तो इस ग्रुप का काम एक दबाव के तौर पर ज्यादा बड़े स्तर पर देखा जाता है कि G20 ने ये कहा, भारत ने ये कहा है, और निश्चित रूप से इसकी अगर आपको भारत को अध्यक्षता मिली है तो देश को क्रेडिट है इसका, सत्ता को क्रेडिट है। इंडोनेशिया में हुई समिट में रूस और यूक्रेन की जंग का असर नजर आया था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन समिट में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे थे, ऐसे में भारत में होने वाली समिट में पुतिन को शामिल करना भी चुनौती होगा।